हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम, और आज मैं आप सबको यहां पर लेके आया हूं, दैट इज बिग बॉस 15 के घर में। तो दिस जस्ट एंड जस्ट एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस, यहां से ही लोग आने वाले और यहां से ही लोग जाने वाले, लेकिन हम फिलहाल आए और आपको अंदर लेके जा रहे हैं। अगेन आई सेड जस्ट एंड जस्ट फॉर यू गाइस। सो जैसे कि आपने देखा, ये पूरा जंगल इलाका है, यहाँ से ही शुरुआत होने वाली है पूरा। और दिस इज़ द विजडम ट्री, आई थिंक दिस इज़ द विजडम ट्री। यहाँ पे लोग आके बैठेंगे, थोड़ा जेन मोड में जाएंगे, यू नो बुद्धा बनेंगे, थोड़ा सा प्रीच करेंगे, तो शायद यही वो ट्री होगा जहाँ से थोड़ा विजडम आ जाएगा। सो यू नो आई एम एन आर्किटेक्ट, तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो यहाँ का जो उमंग कुमार ने आर्किटेक्चर किया है बहुत ही कमाल का किया है। यू कैन सी दिस ऑल दिस एंटायर थिंग, वेरी मैजिकल जंगल टाइप इफेक्ट दिया है उन्होंने, ऊपर से पूरे आ रहे हैं नीचे। आई एम जस्ट लविंग दिस एंटायर वाइब्स मैन, सुपर्ब वाइब्स। एंड दिस इज माई फेवरेट इलाका फ्रॉम द जंगल इलाका। यू कैन सी द पॉन्ड, और ऊपर से आपको वो बिग बॉस की आय दिख रही है, पूरा झूला है यहाँ पे, कि यू कैन जस्ट ट्रैवल दैट साइड। इस तरह के जो पूरे यहाँ पे आप एक एक प्लांट्स देख सकते हो, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही डिफरेंट है, और आई एम जस्ट लविंग द एंटायर, एज आई सेड लविंग द एंटायर वाइब्स आउट हियर। This is looking very different and कुछ interesting लग रहा है, being a jungle theme. So they have got this, you know, entirely chimpanzee out here. अगर आप वहाँ पे आगे देखेंगे तो snakes है, थोड़े frogs है, it's got everything out here. पूरा create, recreate करने की कोशिश की गई है। So this is going to be the area जहाँ पे सारे plannings होंगे, plotting होने वाली है, सब बैठेंगे इधर और उस हिसाब से किस तरह gossip करेंगे। और आप देख सकते हैं the entire ostrich effect they have given out here. It's so beautiful, so realistic. So ये लग रहा है जंगल का जो थ्रोन होता है ना, ये जंगल थ्रोन लग रहा है। यहाँ पे पीपल आर गोइंग टू सेट आउट हियर, प्लानिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा आराम से रिलैक्स करके, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दिस इज द मेन प्लेस मैन। सो एक झूला भी बनाया हुआ है, इफ़ यू आर जस्ट वॉन्ट टू स्विंग अराउंड लाइक अ टार्जन आउट हियर, सो दिस इज ऑल्सो देयर। आई एम लविंग दिस प्लेस ऑल्सो, मैं अगर यहाँ पे होता तो आई एम गोइंग टू सेट आउट हियर ओनली। सो दिस इज अगेन अ ग्रास ऑपर इफेक्ट है, या यू कैन सी दिस एंटायर, वी आर कमिंग इन द सेकेंड जोन विच इज़ अ बिटवीन द जंगल एंड द हाउस। तो उस दोनों के बीच में यहाँ पे लोग आ सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल आउट मार सकते हैं। यू कैन सी दिस टाइप ऑफ सिटिंग्स आउट हियर, यहाँ पे ये इनके बेड्स है, वी आर गोइंग टू सिट ऑन स्लीप ऑन दिस एंटायर ग्रास बेड्स, पूरा उस हिसाब से बनाया हुआ है, चुभने वाला है जो भी सोएगा यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि जंगल है तो तैयार कैसे होंगे, तो वेल सब सुविधाएं है यहाँ पे, दे गॉट दिस मिरर आउट हियर, जंगल के बीच में मिरर, और वो भी एक और बेड है वहाँ पे भी कोई सो सकता है, उनके लिए टेबल भी है वहाँ पे, टीवी भी है, एंड वी हैव द मेन एरिया जो है खाना कैसे खाएंगे, सो फॉर दैट वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल किचन इन द जंगल, लेट्स सी दैट। सो अगर आपको लग रहा है जंगल में ये लोग फिशिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दे गॉट अ स्मॉल किचन पैंट्री आउट हियर, दे आर गोइंग टू कम हियर, कुक फूड, यू हैव दिस एंटायर एरिया आउट हियर, सब कुछ है यहाँ पे, तो दैट्स ऑल्सो टेकन केयर। तो आपके जो फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स होने वाले हैं उनके लिए खाने पीने का प्रबंध है। So, ये घर का एक और कोना है, जैसे कहते हैं जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, और डर में अगर आपको सोना है तो ये बेड पे आप सो सकते हो, मैं नहीं सोने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप। सो दिस इज द लास्ट प्लेस इन द जंगल एरिया जहाँ पे लोग बैठ के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से आप अंदर जाने वाले हैं, अंदर जो जंगल का ही एक और एरिया है, छोटा सा पार्ट है, विल शो यू दैट ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल प्लेस टू सेट विद क्रीपर्स कमिंग डाउन, एन एंटायर टेबल आउट हियर, ब्यूटिफुल, टोटली ब्यूटिफुल।